आरके माई मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 लेकर आए हैं जो आपको काफी सरल तरीके से आप लोग को बताया जाएगा। निश्चित तौर पर ये एक बार में ही ये जो है जो भी प्रश्न बताया जा रहा है वो आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर एक में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद उसको जांच भी करना है। अगर जांच करने के बाद वो पाया गया तो वो सही है, नहीं तो क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर एक में चलते हैं। सबसे पहले इसको शून्य का हम लोग ज्ञात करेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित बहुपदों को शून्य के ज्ञात कीजिए, हम शून्यकों का गुणांक के बीच संबंधित जांच कीजिए। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जांच भी करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी हम लोग बीच वाले को दो भागों में तोड़ते हैं तो क्या होता है, गुणा करने पर मेरा आ जाता है 8 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर बीच के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को लास्ट वाले जो पद जो होते हैं उसमें गुना करते हैं, जितना आता है उसको बीच के दो भागों में तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद गुना करने के बाद साइड के बराबर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर बीच के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो 4x आपका हो जाएगा माइनस में, यहाँ 2x प्लस में हो जाएगा क्योंकि 4x में से 2x घटेगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 8 का 8 हो जाएगा। अब ये दोनों में क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में शामिल, जो दोनों में कट सकता है उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में x शामिल है, x मेरा बाहर निकल जाता है तो क्या हो जाता है, x, और यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या निकलेगा आपका 2 निकलेगा तो बचेगा x, और 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाहर निकला हुआ है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं और जो अंदर है उसमें से 1 लिखा था। ये दोनों मेरा गुणनखंड तो तभी सही हो सकता है जब दोनों के दोनों समान हो, ये और ये दोनों समान हो तो मेरा गुणनखंड क्या हो सकता है, सही हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 4 = 0 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स प्लस हो जाएगा 2 = 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पर एक्स बराबर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब ये शून्यक हुआ तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा, अल्फा बराबर -4 हो जाएगा और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब इसको हम लोग जांच करते हैं, जांच करते हैं तो जांच में किस तरह का होता है, अल्फा प्लस बीटा इसका सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है ना, तो अल्फा मेरा कितना हो गया, -4, और बीटा क्या हो गया, अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया -2, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पर -b/a, तो यहाँ ए बराबर आपका 1 हो जाता है, बी बराबर -2 हो जाएगा और सी बराबर -8 हो जाता है। ठीक ना, तो यहाँ -b/b कितना है आपका, -2 है। ठीक है, और एक प्रश्न से और एक सूत्र से, तो यहाँ 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 2 = 2। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग से जांच करने पर हमको पता चला सही, ये मेरा सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो मेरा अल्फा कितना दिया हुआ है, 4 और बीटा -2 है, इसका c/a होता है, c कितना है आपका, -8 और ये 1 हो जाए, -8 = -8, ये दोनों आपका मिल गया, तो मेरा क्या है, जाँच के तौर पर मेरा हिसाब क्या है, सही है। तो इसी तरह के दोस्तों सारे मैथ जो है आप लोग जाँच कर लीजिएगा और सिर्फ हम आपको गुणनखंड बता रहे हैं। ठीक है ना, एक ही वीडियो में आपको सारे मैथ मिलेंगे 2.2 का। ठीक है, तो चलिए आगे फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका 4s² - 4s + 1 हो जाता है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट का हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, मेरा 4 आएगा और 4 ऐसे दो भागों में तोड़ना, गुने करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर भी मुझे 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s - 2s हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1 = 0 होगा। अब इस दोनों में देखना हमको क्या देखना है, इसमें भी 2s है, इसमें भी 2s शामिल है, तो इसमें 2s अगर निकाल लेते हैं तो मेरा 2 × 2 = 4, यहाँ पर 2 और 2s है तो 1s बाहर निकल गया, 1s अंदर हो गया, और ये 2s से 2s कटेगा तो 1 हो जाएगा और वहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 2s - 1 = 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2s - 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, एक शून्य के बराबर कर लेते हैं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, तो 2s = क्या हो जाएगा, 1, s = 1/2 हो जाता है, तो 2s = 1/2 और s = क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, आपको क्वेश्चन नंबर क्या फिर से आप लोग को साथ स्क्रीन करना है कर सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर एक दो बन चुका है और क्वेश्चन नंबर 3 फिर इसको हम लोग मिटा कर बना रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे अच्छा तरह से। मेरा तबीयत खराब हो गया इसलिए मेरा आवाज जो है गड़बड़ निकल रहा है, आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा, समझ गए, बहुत कष्ट है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 6x² - 3 - 7x है, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा क्या कह रहा है, 4u² + 8u, ठीक है। और उसके बाद में मेरा 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 2² - 15। चलिए एक क्वेश्चन और बच गया इस एक्सरसाइज 2.2 का 1 में। अब यहाँ पर देखा जाए ये जो है 7x जो है आपको साइड में, तो इसको हम लोग क्या करना है, बीच में कर लेना है, ठीक है ना। तो 6x² - 7x - 3 = 0 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए 6 × 3 = 18 होगा और इसको दो भाग में तोड़ना है, गुना करने पर 8 आना चाहिए, जोड़ना घटाने पर मेरा 7 आना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 9 × 2 = 18, कितने होंगे, 9 × 2 = 18, ठीक है। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है आपका, 3 से दोनों कर सकता है। तो यहाँ पर 3x आप कॉमन ले लेते हैं तो 3 × 2 = 6 होगा और यहाँ पर 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर 2x - 3 = 0 हो जाएगा। 3x + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2x - 3 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x + 1 = 0, यहाँ 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 और x = 3/2, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों इसको भी हम लोग करेंगे, 3x = 1 हो जाएगा तो x = 1/3 हो जाएगा। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। और इसमें देखिएगा अचर पद है ये नहीं है, दोनों के दोनों ही चर पद हैं। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर 4u कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर u बचेगा, 4 × 2 = 8, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक ना। तो 4u = 0 हो जाएगा, यहाँ पर u + 2 = 0 हो जाएगा, तो u - 2 हो जाएगा। और यहाँ पर u = 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 0 से भाग देंगे 0 होगा। और ये आपको सिंपल सा है, ये दो तरीके से बन सकते हैं, a² - b² का सूत्र बना सकते हैं, और नहीं तो क्या करेंगे, 15 के उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर घटाएंगे तो √4 जाएगा। तो यहाँ पर t² = क्या हो गया, 15, तो t √15 हो गया, जब भी होगा तो प्लस माइनस दोनों में हो गया, ठीक ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया, इसको शॉर्ट स्क्रीन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये आपका 3 तक खत्म हो गया, आप क्वेश्चन नंबर क्या देखना है, हमको 6 देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, 6। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा दिया हुआ है 3x² - x - 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 3x² - x - 4 = 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया। तो इसको दो भागों में तोड़ना है, घटाने पर x आना चाहिए ना, तो ये क्या 4x - 3x + 3x कटाएंगे तो फिर से 1 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इस दोनों में देखिए, इसको इधर अगर कर लेते हैं तो मेरा आसान हो जाता है, तो इसको हम लोग प्लस में कर देते हैं, इसको माइनस में कर लेते हैं, क्योंकि माइनस x लाना है हमको। तो यहाँ पर x निकलेगा, मेरा x निकलेगा और यहाँ पर कट गया तो 1 होगा, यहाँ पर माइनस कितना निकलेगा आपको, यहाँ पर 3 भी निकलेगा तो x + 1 हो गया, और यहाँ पर 4 निकलेगा तो यहाँ पर भी x + 1 हो गया। तो 3x - 4 = ix + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x - 4 = 0 हो जाएगा, ix + 1 = 0 हो जाएगा, तो x - 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 ix - है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। यही मेरा क्या होगा, आंसर हुआ, ठीक है दोस्तों।
तो क्वेश्चन में बने रहिए, क्वेश्चन नंबर फिर हम आगे दो का लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, दो का जो है क्वेश्चन नंबर छ को इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, सद्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का योगफल होता है जैसे मैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा एक बटा चार, और इसका गुणनफल हो जाएगा कितना, माइनस एक हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आपका कितना दिया हुआ है, एक बटा चार दिया हुआ है, और यहाँ पर एक्स अल्फा इंटू बीटा माइनस एक दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, पहले ये बना देते हैं, उसके बाद हम आगे जो है इसको फिर से मिटा कर बनाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा एक बटा चार, एक्स प्लस माइनस माइनस वन बराबर जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान में दीजिएगा, तीन पद में अगर एक भी पद में अगर भिन्न होता है तो जो बटा में जो भी रहेगा उसको छोड़कर बाकी सब में हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसमें गुना कर लेंगे, इसमें गुना कर लेंगे, या जीरो में गुना कर लेंगे। तो इसमें गुना कर लेते तो चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सोचिए एक्स हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चार बराबर जीरो। यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दो में देखते हैं, उसी तरह के मूलों का योगफल दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा रूट टू हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा आपका हो गया वन बाई रूट थ्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर होगा द्विघात सूत्र बराबर द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपका रूट टू हो गया, रूट टू एक्स हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया वन बाई रूट थ्री हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग गुना कर लेते हैं। यहाँ पर हमको थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, रूट थ्री नहीं है सोचिए, आपको तीन है सोचिए, तीन है आपका, रूट थ्री नहीं है, वन बटा रूट वन बटा तीन है, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह के गुना कर लेते, तो यहाँ पर क्या हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पर थ्री रूट टू एक्स प्लस वन हो गया। बताया ना, तीनों में से अगर एक बात में भीड़ होता है तो उसके अलावा सब में गुना कर लेंगे और उसी को सिर्फ छोड़ देंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग शॉर्ट की सीरीज मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग तीन लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, जीरो कोमा रूट फाइव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन आपका जीरो कोमा रूट फाइव दिया हुआ है। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया जीरो, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया रूट फाइव। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, ठीक ना, द्विघात सूत्र से हम लोग देखेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा इजकल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आपका जीरो है, जीरो एक्स हो जाएगा, यहाँ पर रूट फाइव हो जाएगा इजकल टू जीरो। तो जीरो में एक्स से गुना करेंगे जीरो होगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर चार में आपका दिया हुआ एक कोमा एक, एक कोमा एक, तो अल्फा प्लस बीटा आपका एक हो गया, अल्फा इंटू बीटा भी आपका एक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से अल्फा प्लस बीटा बराबर वन, अल्फा इंटू बीटा बराबर वन, ठीक है। वहां पर तो दे ही दिया, यहाँ पर सूत्र में लिखना था एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा इजकल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर प्लस वन, यही यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पाँच में चलते हैं,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 मेरा जो है दिया हुआ है -1/4 और 1/4 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका -1/4, अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/4। तो यहाँ पर द्विघात सूत्र का प्रयोग होगा क्योंकि द्विघात सूत्र से क्या होता है, x²-α+β इंटू ax, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। तो x² यहाँ पर -1/4 एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 1/4 इजकल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, दोनों में बटा में 4 है तो इसमें ही स्वीट लिखा जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5-6 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे ईजी है, 4,1 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका 4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से x²-α+β इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। x² अल्फा इंटू बीटा 4x+1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, हमको आशा है, विश्वास है इससे आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के बदौलत हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी सहयोग दे रहे हैं।